हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान में। आज हम फिर आपके लिए एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन लिखे हैं, जिसमें टोटल पोस्ट आपको मिल रही है 5,670 पोस्ट आपको इसमें मिल रही है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या एज वगैरह रखी जाएगी, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो मित्रों, सबसे पहले हम आप बता देते हैं, जो वैकेंसी निकल रही है एक स्टेट विशेष के लिए नहीं निकल रही है, सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ हमने यहाँ लिखा है कि राज्य सरकार के अधीन नई भर्ती है, ये राज्य सरकार के अधीन है, ये जो है इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराने का जो जिम्मा है वो राज्य सरकार का है। यहाँ देख सकते हो जो टोटल पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है, 5,670 वैकेंसी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। कौन अप्लाई कर सकता है, सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। बात करते हैं इसमें पेमेंट, तो पेमेंट रोजाना सरकारी नौकरी की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आपको यहां से सब्सक्राइब करना है मित्रों, यहां देख सकते हो सब्सक्राइब करना है, तथा साथ में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे इस बेल आइकन को दबाना, तथा साथ ही इस वीडियो को यहां से लाइक जरूर करना है। मित्रों आप यहां देख सकते हो 32,800 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिल जाएगा, प्लस ग्रेड पे, सॉरी प्लस यहां आपको महंगाई भत्ता मिल जाएगा। विज्ञप्ति में महंगाई भत्ता दिखा रखा है, हम आपको विज्ञप्ति लास्ट में दिखा देंगे। इसके बाद में उम्र जो दिखा रखी है, 40 साल का कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 40 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार छूट मिल जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो यहाँ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 500 रुपये देने पड़ेंगे, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, और जो अन्य राज्यों के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे वो एस सी एस टी ओबीसी के हो, और जो एमपी मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपये इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। तो हम आपको विज्ञप्ति के माध्यम से अधिक जानकारी दे देते हैं। तो मित्रों ये है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ देख सकते हो आवेदन शुल्क संबंधी डिटेल्स भी उन्होंने दिखाई है। जैसे हमने बेसिक जानकारी में आपको बताई थी, आवेदन शुल्क रखा जाएगा जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं अन्य राज्यों के उनके लिए 500 रुपये, जो मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और जन अभ्यर्थियों को यहाँ 250 रुपये इसमें आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी अधिक जानकारी और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसमें सबसे पहले हम दिखा देते हैं मित्रों इसमें योग्यता क्या रखेगी। ये तो योग्यता, यदि आपके पास बीएड है या अन्य योग्यता है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षकों की वैकेंसी निकल रही है माध्यमिक शिक्षा के लिए, यहां देख सकते हो संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यदि आपके पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ अथवा में बहुत सारी योग्यता दिखा रहा है कि संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएड, ठीक है मित्रों। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बीएड दिखा रखा है, बीएलटी दिखा रखा है, तो इसमें आपको बीएड होना अनिवार्य है। 1 वर्षीय है चाहे 2 वर्षीय डिप्लोमा है दिए आपके पास, तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी दिखा रखी है, सिलेबस भी दिखा रखा है, किस प्रकार आपका फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या आपकी एज वगैरह रखी जाएगी, कब से एज की गणना की जाएगी। तो इस फॉर्म अप्लाई करने से पहले प्लीज़ इस जो विज्ञप्ति जारी की है विभाग ने ये बुक, एक गुड न्यूज है मित्रों, यदि आप एसएससी, जीडी, आर्मी, रेलवे, नेवी, एयरफोर्स आदि की कम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो, यदि आपको क्वेश्चन पेपर की आवश्यकता है, बैक क्वेश्चन पेपर की आवश्यकता है और स्टडी मटेरियल की यदि आपको आवश्यकता है, तो हमें आप अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। जारी किए इस बुक को ध्यान से पढ़ के आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन इस बुक में जो रूल दिए गए हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। इसके बाद में हम सीधा आपको लास्ट डेट दिखा देते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ देख सकते हो लास्ट डेट, एक सेकेंड हम आपको लास्ट डेट दिखा देते हैं। तो लास्ट डेट आपको मिल जाएगी मित्रों, जो स्टार्ट हो गए फॉर्म हो गए थे 28 से स्टार्ट हो गया था फॉर्म 28/9/2018 से, जिसके लास्ट डेट रहेगी 12/10/2018। तो यदि आप इंटरेस्ट हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास बीएड डिग्री है तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधित करने की जो प्रारंभिक तिथि है, जो मतलब यदि आपका फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उस दिन से आप फॉर्म जो है करेक्शन करा सकते हैं। जो आवेदन है संशोधित करने के लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 17/10 तक आप फॉर्म संशोधित करा सकते हैं, इसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये था मित्रों आज का हमारा गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। तो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अपने राज्य के गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए आपने अभी तक इस चैनल संदीप ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।